राजेश्वर मैडिया नेटी और कार प्लाजा लेकर आया है डेली हलचल। दिन भर की सारी खबरें एक साथ। किसानों की मांग पर कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इनपुट सब्सिडी आवेदन की तिथि बढ़ाने के दिए निर्देश। राशन कार्ड बनवाने के नाम पर गरीबों से अवैध वसूली, जीविका दीदी के पति का रिश्वत लेते हुआ वीडियो वायरल। IRCTC के द्वारा तैयार किए गए भोजन को ZRP के द्वारा स्टेशन परिसर के आसपास लगभग 500 व्यक्तियों के बीच वितरित किया गया। गया जिला के मोहनपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर टावर के पास एक अज्ञात शव देखा गया। रोटरी क्लब ऑफ गया युवा ने गरीबों के बीच बांटी खाद्य सामग्री। इमामगंज के झिकटिया में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खलिहान में लगी आग। गया जिला युवा राजपूताना की ओर से हसनपुर और जय भीम क्लब कंडी के बैनर तले बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह मनाई गई। जीविका दीदी द्वारा चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखंड में लॉकडाउन के दौरान रोज लगभग 30 से 40 लोगों को भोजन कराया जाता है। इमामगंज प्रखंड के युवा सामाजिक कार्यकर्ता ने पत्रकारों को किया सम्मानित। इस हमारे देश में वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के देश में लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन में हमारे युवा सामाजिक कार्यकर्ता जो पेशे से डॉक्टर हैं, वो लगातार ज़रूरतमंदों के बीच राशन सामग्री से लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिनको हमारी न्यूज़ टीम की ओर से इनको बहुत सारे बधाई। साथ ही एक चीज बताना चाहेंगे कि ये पत्रकारों की समस्या को और समझते हुए और कड़ी मेहनत को देखते हुए इन्होंने संकल्प लिया कि उन्हें भी सम्मानित करना चाहिए। हमें लगता है कि बिहार में ऐसे युवा हैं जो पत्रकारों को सम्मानित किया अपने कार्य से, समाज के सेवा के साथ साथ पत्रकार। होप फाउंडेशन के द्वारा फूल बरसाकर कोरोना योद्धाओं का किया गया स्वागत। पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में देसी कट्टा के साथ एक युवक हुआ गिरफ्तार। बाके बाजार प्रखंड प्रमुख
बबीता कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच, जांच में पाई गई भारी गड़बड़ी। सोयाबाड़ी 100 ग्राम दिया है, कितना दिया है? 100 ग्राम। और आधा किलो मिलना है, लीजिए लीजिए। 700 ग्राम कम मिला है, 100 ग्राम आपको दिया, 100 ग्राम हम लिख दिए, ठीक है ना? दाल आपका कौन है? दाल चढ़ाई इधर वाली बढ़िया, इधर सुबह भी माटा बजा इधर ला एक दो। हाँ ये चाहिए, एकदम जरूरी है क्या? झूठे ना, ये आपका दाल है ना? उसमें साथ ही निकल दिए। इसमें सोयाबड़ी है 570 ग्राम आपका हुआ, 70 ग्राम सोयाबड़ी और 500 ग्राम दाल, मैंने आधा की 1.25 किलो दाल देना है। और आपको दिया कितना? आधा किलो, 3 पौवा कम दिया। इमामगंज प्रखंड बिकोपुर पंचायत के मुखिया द्वारा बैंक के बाहर खड़े रुपया निकासी करने वाले लोगों के लिए टेंट की व्यवस्था की गई। इमामगंज प्रखंड के मंझौली पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले मजदूरों को राजद प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा रखा जा रहा है ख्याल। गया वार्ड संख्या 5 के वार्ड पार्षद ने पूरे वार्ड में कराया सफाई का कार्य। लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों की मदद में लगातार हैं सक्रिय। वो ढोंगा जो दिखाई पड़ रहा है, वो पूरा राउंड ढोंगा जो है वो दिखाई पड़ना चाहिए नीचे तक। सफाई का मतलब वही ना हुआ कि जहाँ से फर्स्ट लेयर निकले तब ना, अब ऊपर से खाली ओल के निकाल लिए तो ना होगा। वो